सब्सक्राइब कीजिए स्मार्टफोन की चैनल को और बेल आइकन को दबाइए सबसे पहले लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। हेलो दोस्तों, स्मार्टफोन की चैनल में आपका स्वागत है। आज फ्रेंड्स, जियो फ़ोन की बुकिंग शुरुआत हो चुकी है 5:30 बजे से। मैं इसके बारे में, फ़ोन की बुकिंग कैसे होती है, मैं सब जान चुका हूँ, जो कि मैं अपने इस वीडियो में बताऊँगा। ये फ्रेंड्स, इस बुक करने के दो तरीके हैं, ऑफलाइन और ऑनलाइन। ऑफलाइन आप दुकान रिटेलर पे जाके आप इसे बुक कर सकते हैं, नहीं तो आप इसे jio.com पे जाके, उसकी वेबसाइट पे जाके बुक कर सकते हैं, वरना MyJio ऐप से भी आप बुक कर सकते हैं। मैं आपको बुक करके दिखा देता हूँ MyJio ऐप से किस तरीके से बुक होगा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये आइकन आ रहा है, प्री बुक नाउ पे इसे क्लिक करना होगा। बहुत ही आसान है इसे बुक करना, जैसे कि अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ। फ्रेंड्स, इसको आप सबसे पहले आप MyJio ऐप इंस्टॉल करके आप प्री बुक, ये जो आपको दिख रहा होगा, प्री बुक नाउ पे क्लिक कर दीजिए आप, वरना ही तो आप वेबसाइट पे भी जाके आप इसे बुक कर सकते हैं। इसको बुक करना बहुत ही आसान है, इसके लिए आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं क्लिक कर चुका हूँ प्री बुक नाउ पे, लोडिंग लोड हो रहा है फ्रेंड्स। हाँ, अब इसके अंदर फ्रेंड्स आपको मोबाइल नंबर डालना होगा। मोबाइल नंबर आपको डालने के बाद इसके अंदर जो आपका, जो कोई से भी कंपनी का मोबाइल नंबर हो आपको डालना हो, जो कंपनी का नंबर आपको डालना होगा, कोई सी भी कंपनी का हो चाहे, आप डाल दीजिएगा फ्रेंड्स। मैं डाल चुका हूँ। इसके बाद आपको एक पिन कोड नंबर डालना होगा, वो भी मैंने डाल दिया है फ्रेंड्स, मोबाइल नंबर भी डाल दिया है। फिर आपको प्रोसीड के बटन पर दबाना होगा। आपको जितने फ़ोन बुक करने हैं, मतलब जितने आपको, एक फ़ोन के लिए आपको 500 रुपये आपको पहले देने होंगे, मतलब पहले आपको 500 रुपये चुकाने हैं, फिर बाद में जब फ़ोन आ जाएगा घर पे तो 1,000 रुपये तब आपको देने होंगे। टोटल मतलब 1,500 रुपये का ये सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पे, जो कि आपको 3 साल बाद वापस आपको मिल जाएंगे इसका। और इसके अंदर अब इस प्रोसीड करने के बाद प्रोसीड पे क्लिक कर दीजिए फ्रेंड्स। फिर आपको पे क्लिक करना होगा। आप फिर पे क्लिक करने के बाद आप किस तरीके से आप पेमेंट करना चाहते हैं, अभी फ़िलहाल आपको 500 रुपये पेमेंट करनी होगी। 500 रुपये पेमेंट करने के लिए आप भीम ऐप या फिर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू भी आप कर सकते हैं फ्रेंड्स। जैसे ही ये फ़ोन की जैसे ही आप बुक कर देते हैं तो आपके घर पे ये सितंबर के महीने से इसकी डिलीवरी चालू हो जाएगी। डिलीवरी चालू होने के बाद ये आपके घर पे फ़ोन आएगा। अभी आप 500 रुपये आपको पेमेंट करनी होगी, जैसे कि आप देख रहे हैं पेमेंट अमाउंट 500। फिर जैसे ही आपके घर पे ये फ़ोन आता है, या फिर आपके पास जो घर पे, मतलब आपके एरिया के आसपास जो भी जियो रिटेलर स्टोर है, ये वहाँ से जाके आपको लेना पड़ सकता है। जैसे ही फ़ोन पे जो आप नंबर दे रहे हैं उस पे शायद मैसेज आ जाए, क्योंकि आज से बुकिंग इसकी शुरू हुई है, तो नहीं तो आप या आपके घर पे आ जाए तो आपको उस टाइम 1,000 रुपये देना होगा। इसकी वैल्यू बनती है वैसे टोटल 1,500 रुपये टोटल, मतलब सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पे। तो फ्रेंड्स, आप समझ गए होंगे कि जियो फ़ोन